दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्सटाइल एडवाइजर पर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि डबल क्लॉथ वीप क्या होती है और कोई भी डबल क्लॉथ वीप को बनाने का क्या प्रोसीजर होता है और कितने टाइप के डबल क्लॉथ होते हैं, डबल क्लॉथ के अंदर स्टिचिंग मार्क कैसे दिए जाते हैं। तो गाइज इसके पहले मैं डिस्कशन शुरू करूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे गाइस। तो गाइस चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है डबल क्लॉथ वीव, टाइप ऑफ डबल क्लॉथ वीव, कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल क्लॉथ वीव। तो हम कौन से कपड़े को डबल क्लॉथ कहेंगे और डबल क्लॉथ कितने टाइप का होता है और डबल क्लॉथ वीव को हम कैसे बनाते हैं, तो उसको आज मैं आप सभी लोगों के साथ में डिटेल में शेयर करने जा रहा हूं। तो गाइस देखते रहिए मेरे वीडियो को अंत तक। तो सबसे पहले गाइस देखिए डबल क्लॉथ वीव होती क्या है। तो गाइस जैसा कि नाम होता है तो उसके हिसाब से जो डबल क्लॉथ वीव होती है, तो डबल क्लॉथ वीव से बना हुआ कपड़ा दो लेयर से बना होता है, वहां पे दो लेयर होती हैं और ये जो दोनों लेयर होती हैं फेस और बैक की लेयर, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो वहाँ पे जोड़ते कैसे हैं कि जो हमारे फेस और बैक के थ्रेड्स होते हैं उनको आपस में इंटरलेस करके हम दोनों लेयर की स्टिचिंग करते हैं। और गाइस जो डबल क्लॉथ हम बनाते हैं उसके लिए हम बार की दो सीरीज प्रयोग करते हैं और वेफ्ट की भी दो सीरीज प्रयोग करते हैं। तो बार की जो दो सीरीज प्रयोग होती है, एक फेस के लिए होती है, एक बैक के लिए होती है। इसी प्रकार से आपके वेफ्ट में एक सीरीज फेस वेफ्ट के लिए होती है और एक सीरीज बैक वेफ्ट के लिए होती है। और गाइज ये जो आपका डबल क्लॉथ होता है तो ये सिंगल बीम पर भी बनाया जा सकता है, सिर्फ कंडीशन ये होती है कि जो आपके फेस फैब्रिक के अंदर नंबर ऑफ इंटरलेसिंग्स हैं और जो आपके बैक लेयर के अंदर नंबर ऑफ इंटरलेसिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, मतलब लगभग बराबर होनी चाहिए, तो आपका डबल क्लॉथ का जो फैब्रिक है वो आप सिंगल लेट ऑफ मोशन वाले लूम पर भी आराम से बना सकते हैं। अब गाइस यदि आपका जो बैक क्लॉथ है और जो फेस क्लॉथ है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इंटरलेसिंग्स हैं उनमें यदि ज़्यादा डिफरेंस आता है तो क्या होता है कि आपका या तो फेस का धागा लूज पड़ने लगेगा या बैक का धागा होगा वो लूज पड़ने लगेगा। तो फिर इस केस में आपको क्या चाहिए होगा कि जो आपका लूम होगा उसके अंदर डबल लेट ऑफ मोशन होना चाहिए। और गाइस जहां तक बात करें हम टेकअप मोशन की, जब हम डबल क्लॉथ की वीविंग कर रहे होते हैं तो यदि हम प्लेन वगैरह बनाते हैं या कुछ कपड़े जैसे ट्यूल वगैरह की भी यूज करते हैं तो वहां पर तो आपका क्या होता है कि आपका जो टेकअप होता है उसमें यदि क्रेमिंग मोशन ना हो या यूं कहें कि जब आपको रोकना है अपने टेकअप को तो वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं रुकता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो वहां पर आप बना सकते हैं ऐसे कपड़ों को। बट वहां पे क्या करना पड़ता है, आपको जो नंबर ऑफ पिक्स पर इंच होते हैं तो वो आपको डबल रखने पड़ते हैं। डबल का मतलब है गाइस मेरा जो आपके फेस साइड में नंबर ऑफ पिक्स पर इंच हैं तो उतने ही आपके बॉटम में होंगे पिक्स पर इंच। तो जो फेस और बैक को मिला के जितने आपके पिक्स आ रहे होते हैं उतने ही पिक्स पर इंच आप अपनी लूम पर अप्लाई करते हैं। बट गाइस इस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, जब हम कोर्स काउंट से डबल क्लॉथ बना रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो आपका फेस का पिक होता है और बैक का पिक होता है वो आगे पीछे हो जाते हैं तो वो लुक उतना अच्छा नहीं आता है। यदि आपके मशीन के अंदर क्रेमिंग मोशन होता है तो आप आसानी से डबल क्लॉथ बना सकते हैं और आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब फेस पिक के जस्ट नीचे ही आपका बैक पिक आएगा। तो गाइस अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि यदि आप डबल क्लॉथ बना रहे हो तो आपके लूम्स के अंदर क्या क्या स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए, मतलब लूम्स रिक्वायरमेंट फॉर डबल क्लॉथ। तो गाइस देखिए पहला आपका रिक्वायरमेंट होता है कि जो आपका लूम है तो उसके अंदर डॉबी शेडिंग मोशन होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट होता है गाइस कि जो आपका लूम है उसके अंदर डबल लेट ऑफ मोशन होना चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट होता है गाइस कि जो आपका लूम है उसके अंदर टेकअप मोशन को
इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि आप अपने डिजाइन के अनुसार या आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं पर भी टेकअप को रोक सकें, मतलब इन ऑपरेटिव कर सकें। दोस्तों चौथा रिक्वायरमेंट होता है कि यदि आप डबल क्लॉथ बना रहे हो और डबल क्लॉथ बनाते समय आप बार के अंदर जो फेस वार्फ है और बैक वार्फ है उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट काउंट यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको डबल लेट ऑफ मोशन कंपलसरी हो जाता है। गाइस यदि आप वेफ्ट के अंदर या तो दो कलर यूज कर रहे हो फेस के लिए अलग और बैक के लिए अलग, या आप दो काउंट यूज कर रहे हो फेस के लिए अलग काउंट और बैक वेफ्ट के लिए अलग काउंट, तो आपकी लूम पर मल्टी कलर वेफ्ट सिलेक्शन का जो मोशन होता है उसकी आवश्यकता होती है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि टाइप ऑफ डबल क्लॉथ वीव क्या होते हैं। तो गाइस होता क्या है कि जो डबल क्लॉथ का ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है बेसिकली, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। आपका डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि आपने किस तरीके से अपने दोनों लेयर की स्टिचिंग की हुई है, मतलब दोनों लेयर को जोड़ते समय आपने कौन सा मेथड यूज किया है, उसी के अनुसार आपका जो डबल क्लॉथ होता है या डबल क्लॉथ वीव होती है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है गाइस। तो जो आपके प्रकार होते हैं डबल क्लॉथ के, तो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, देखिए गाइस। पहला प्रकार होता है, तो यहाँ पे स्टिचिंग कैसे करते हैं, बाई रेजिंग बैक एंड ऑन फेस पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो बैक एंड होता है उसको फेस पिक के ऊपर अप कर दिया जाता है। और गाइस दूसरा होता है आपका लोअरिंग फेस एंड ऑन बैक पिक। तो दूसरे तरीके की जो स्टिचिंग होती है उसके अंदर हम फेस एंड को बैक पिक के ऊपर डाउन कर देते हैं। और गाइस तीसरा होता है कंबाइंड स्टिचिंग। तो इसमें क्या करते हैं कि वीव के अंदर कुछ पोर्शन में तो आप जो स्टिचिंग करते हैं उसके अंदर बैक एंड को रेज कर देते हैं फेस पिक के ऊपर, और वीव के कुछ पार्ट में आप जो फेस एंड होता है उसको डाउन कर देते हैं बैक पिक के ऊपर। मतलब दोनों तरीके की स्टिचिंग होती है वो प्रयोग की जाती है वीव में, तो उसको बोलते हैं हम कंबाइंड स्टिचिंग। और गाइस एक चौथे तरीके की भी स्टिचिंग होती है, वो होती है आपकी स्टिचिंग बाई एक्स्ट्रा थ्रेड। मतलब स्टिचिंग के लिए हम धागे अलग से प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कभी जो आपका स्टिचिंग थ्रेड है जो एक्स्ट्रा थ्रेड है कभी क्या होगा वो आपके बॉटम लेयर से इंटरलेस हो जाएगा फिर आपकी दोनों लेयर के बीच में चला जाएगा, कभी आपके टॉप लेयर से इंटरलेस हो जाएगा फिर वो दोनों लेयर के बीच में चला जाएगा। बट ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड का जो सिस्टम होता है या मेथड होता है इसमें अब एक्स्ट्रा थ्रेड यदि आपने बैक से दिया या फेस से कहीं से भी दिया तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जो आपका स्टिचिंग थ्रेड होता है यदि उसकी इंटरलेसिंग कम होगी तो वहां पे फिर आपको लूज होने की संभावना बनी रहती है। गाइस अब एक और मेथड होता है, तो मेथड नंबर 5 देखिए, स्टिचिंग बाई थ्रेड चेंजिंग। गाइस ये जो मेथड होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कपड़े को बनाते हैं टॉप लेयर बना रहे हैं और साथ साथ में बॉटम लेयर भी बना रहे हैं, बनाते गए एक इंची बाद दो इंची बाद में फिर हम क्या करेंगे कि जो बैक के थ्रेड थे उनको हम टॉप लेयर में प्रयोग करते हैं और जो आपकी टॉप लेयर थी या जो फेस लेयर थी उसके बार्फ को हम बॉटम लेयर में प्रयोग करते हैं, तो इससे आपके जो थ्रेड्स होते हैं उनकी इंटरचेंजिंग होती रहती है और आपका जो स्टिचिंग होती है कपड़े की हो जाती है। गाइस जो छठवां मेथड होता है तो उसमें क्या होता है, देखिए गाइस हम क्या करते हैं कि अपने कपड़े के अंदर कुछ जगह पर हम डबल लेयर बनाते हैं और फिर थोड़ी दूर बाद में फिर हम आधा सेंटीमीटर के लिए, एक सेंटीमीटर के लिए या जितना भी रिक्वायर्ड होता है डिजाइन के अनुसार, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि वहां पे फिर से सिंगल लेयर बनाने लगते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपके डबल क्लॉथ के प्रकार होते हैं वो मैंने आपको बताए। अब गाइस मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ डबल क्लॉथ क्या क्या होते हैं, डबल क्लॉथ भी यदि हम यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारी इंप्रूव हो जाती है। गाइस देखिए गाइस क्या होता है कि कभी कभी हमें जो रिक्वायर्ड GSM होता है वो सिंगल क्लॉथ वीव में नहीं मिल पाता है, तो इस केस में यदि आप डबल क्लॉथ वीव का प्रयोग करते हैं तो आपका जो रिक्वायर्ड GSM होता है वो अचीव हो जाता है। और गाइस कभी कभी ये भी होता है कि आपको GSM तो ज्यादा चाहिए और आप यदि ज्यादा GSM के साथ में अपने कपड़े को सिंगल क्लॉथ वीव से वीव करते हैं तो उसमें क्या होता है एयर परमेबिलिटी उसकी घट जाती है,
तो आपको क्या करना पड़ता है कि यदि आपको ज्यादा एयर परमेबिलिटी चाहिए कपड़े में तो आप डबल क्लॉथ वीप का प्रयोग करते हैं और आपको जीएसएम से कोई कंप्रोमाइज भी नहीं करना पड़ता है। और गाइस नेक्स्ट देखिए, जो डबल क्लॉथ होता है तो किसी भी गारमेंट में यदि आपको कपड़े की दोनों साइड प्रयोग करनी है तो वहां पर भी आप डबल क्लॉथ वीप का प्रयोग करते हैं। और जो चौथी प्रॉपर्टी होती है गाइस, कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने कपड़े के अंदर एक साइड में अलग कलर देना है और दूसरी साइड में अलग कलर देना होता है, तो वहां पर भी आपकी जो डबल क्लॉथ वीप होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल क्लॉथ वीप, मतलब डबल क्लॉथ वीप को कंस्ट्रक्ट कैसे करें। तो गाइस देखिए, तो जो आपकी डबल क्लॉथ वीप होती है तो वो आपके 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। मैं आपको 1x1 स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताता हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। तो गाइस देखते रहिए मेरे वीडियो को अंत तक। तो गाइस जो पहला स्टेप होता है डबल क्लॉथ वीप को बनाने का, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो वीप हम फेस साइड में ले रहे हैं तो उसको बनाते हैं और जो हम वीप बैक साइड में ले रहे हैं उसको बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, हमने 2 वीप सेलेक्ट किए हैं। एक वीप है आपकी 3 अप 1 डाउन की ट्विल और दूसरी वीप है आपकी 1 अप 3 डाउन की ट्विल। तो गाइस जब हम ये जो वीप सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर हम ध्यान रखते हैं, यदि हमारे फेस वीप के अंदर वार्प के धागे ज्यादा अप हैं, मतलब आपकी जो फेस वीप है वार्प फेस्ड है, तो आपको जो बैक वीप लेनी है वो लेनी है वेब फेस्ट, मतलब आपके वेब के धागे ज्यादा ऊपर होने चाहिए बैक वीप में। तो गाइस देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो फेस की वीप है इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 3 अप 1 डाउन की वीप है, तो आपका 3 अप 1 डाउन का मतलब हो गया 4, तो 4x4 की वीप हो गई। ये देखिए आप यहाँ पे 4 तो आपके पिक हैं और 4 एंड हैं, तो यहाँ पे 3 अप 1 डाउन है, तो 1 अप 1 अप 1 अप मतलब ये 3 अप हो गए, तो 1 छोड़ के फिर ये 3 अप हो गए, फिर ये वाला छोड़ दिया ये और ये 3 अप हो गए, फिर आपने ये वाला छोड़ दिया ये 3 अप हो गए, तो ये आपकी फेस वीप बन गई। इसी तरीके से हम बैक वीप बनाते हैं। तो गाइस देखिए ये है आपकी 1 अप 3 डाउन की ट्विल, तो इसमें भी जो रिपीट आएगी 4x4 की होगी। और यहाँ पे देखिए 1 अप, तो 1 छोड़ दिया 1 अप, 1 छोड़ दिया 1 अप, 1 छोड़ दिया 1 अप, तो इस तरीके से आपकी जो फेस की वीप है और बैक की वीप है वो बनके तैयार हो जाती है। गाइस अब हम बनाएंगे डबल क्लॉथ। तो डबल क्लॉथ बनाएंगे तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारी वीप के अंदर नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट और नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट वो कितने आएंगे। तो उसके लिए गाइस हम ये देखते हैं कि जो हमारी फेस की वीप है और जो हमारी बैक की वीप है, तो उसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट और नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके दोनों वीप के अंदर नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट और नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट बराबर हैं। तो इस केस में आपके डबल क्लॉथ वीप के अंदर जो नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट और नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट वो हो जाएंगे आपके डबल हो जाएंगे, जो आप फेस की वीप ले रहे हो या बैक की वीप ले रहे हो उससे। अब गाइस यदि यहाँ पे ऐसा ना होता, अब यहाँ पे ये आपकी 4x4 की होती और ये 3x3 की होती, तो आप क्या करते, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता, जैसे नंबर ऑफ एंड्स निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको फेस की वीप के जो एंड्स पर रिपीट हैं और बैक की वीप के एंड्स पर रिपीट हैं उनका एलसीएम लेना पड़ता, तो उससे तो आपको नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट मिल जाते। और जो आपके पिक हैं तो वहां पर भी आपको एलसीएम लेना पड़ता नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट इन फेस वीप और नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट इन बैक वीप, तो दोनों का जब एलसीएम लेते तब आपको प्राप्त हो जाता डबल क्लॉथ वीप के अंदर के नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट आप कितने लेंगे। बट गाइस यहाँ पे जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि दोनों वीप के अंदर नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट और नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट सेम है, तो जो आपके डबल क्लॉथ के अंदर जो आएगा एंड्स पर रिपीट और पिक्स पर रिपीट, तो आपका डबल होगा आपके फेस वीप और बैक वीप का। तो गाइस देखिए ये हमने आपको बना के दिखाया यहाँ पे। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे कितने एंड्स पर रिपीट लिए हैं और कितने पिक्स पर रिपीट लिए हैं, तो आप देख सकते हैं गाइस ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एंड्स पर रिपीट लिए यहाँ पे। इसी तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो
और जो हमने पिक्स पर रिपीट लिए हैं वो भी 8 लिए हैं। गाइस अब क्या होता है कि जो आपका अरेंजमेंट होगा कपड़े के अंदर बार्ब का, वो होगा एक फेस एक बैक, फिर एक फेस फिर एक बैक। इसी तरीके से आपके वेफ्ट के अंदर भी जो अरेंजमेंट होगा वो होगा एक फेस एक बैक, एक फेस एक बैक। तो गाइस यहाँ पर नंबरिंग देख सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये F1, F2, F3, F4, तो ये हैं आपके फेस एंड, और जो V1, V2, V3, V4 ये हैं आपके बैक एंड। और आप पिक साइड में देखिए तो F1, F2, F3, F4 ये हैं आपके फेस पिक, और V1, V2, V3, V4 ये हैं आपके बैक पिक। तो गाइस अब आपको सबसे पहले जो फेस की वीव है वो यहाँ पे फिलअप करनी है। तो यहाँ पे गाइस देखिए फेस वीव इंटरलेसिंग मार्क फिलिंग, तो सबसे पहले जो फेस की वीव है उसकी इंटरलेसिंग मार्क हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम फेस की वीव के मार्क हम फिल करेंगे तो हम ध्यान रखते हैं कि जो इंटरलेसिंग पॉइंट है वो आपका फेस एंड और फेस पिक पर ही आना चाहिए, वो कहीं पर भी बैक पिक पे नहीं आना चाहिए ना ही बैक एंड पे आना चाहिए। तो देखिए गाइस आपकी वीव क्या है, 3 अप 1 डाउन है। तो ये देखिए ये फेस है, ये भी फेस है, 1 अप हो गया, तो ये फेस है और ये फेस है तो यहाँ पे 1 अप हो गया, और ये फेस तो है ही है और ये भी फेस है तो ये हो गया 1 अप। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 3 अप हो गए। तो आपने ये वाला छोड़ दिया, इसके बाद में फिर देखिए 1 अप ये हो गया, 1 अप ये हो गया, 1 अप ये हो गया, फिर आपने इसको छोड़ दिया, फिर ये 1 अप हो गया, 1 अप हो गया और 1 अप नीचे हो गया, फिर आपने इसको छोड़ दिया, 1 अप यहाँ हो गया, 1 अप यहाँ हो गया और 1 अप यहाँ हो गया। तो गाइज इस तरीके से आपकी जो फेस की वीव है वो फिलअप हो गई। अब गाइज देखिए आगे कैसे करते हैं, ये है आपकी बैक वीव मार्क इंटरलेसिंग फिलिंग। तो जो हमारी बैक की वीव ली हुई है हमने, तो उसको हम कैसे फिल करेंगे देखिए गाइज। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने क्रॉस लिया था तो हमने क्रॉस कहाँ पे यूज किया, फेस वीव के लिए, जो फेस वीव थी उसके लिए हमने क्रॉस यूज किया है। अब हम बैक वीव के लिए जो हमारे सर्कल हैं, डार्क सर्कल हैं, तो उनका यूज कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि क्रॉस का मतलब है आपका फेस एंड है वो अप है, और जो डार्क सर्कल आ रहा उसका मतलब है बैक एंड अप है। गाइस जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम जब फेस की जो मार्क होते हैं वो फिलअप करते हैं तो फेस एंड और फेस पिक पर ही करते हैं, इसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं कि जो बैक के इंटरलेसिंग थे, बैक व्यू के इंटरलेसिंग मार्क थे उनको फिलअप कर रहे हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि वो इंटरलेसिंग मार्क हैं वो बैक एंड और बैक पिक पर ही आए। तो देखिए गाइस आपका क्या था, 1 अप 3 डाउन। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला बैक एंड ये है, तो यहाँ पे ये पिक है आपका, तो ये 1 अप हो गया, आपने इसको यहाँ छोड़ दिया, दूसरा वाला यहाँ पे है तो ये अप हो गया, फिर आपने इसको छोड़ दिया, आपका तीसरा वाला यहाँ पे है तो ये अप हो गया, फिर आपने इसको छोड़ दिया, चौथा वाला यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से जो आपका फेस वीव थी और बैक वीव थी तो उनके जो भी इंटरलेसिंग मार्क थे वो हमने अपने डबल क्लॉथ की वीव में फिलअप कर दिए हैं। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम लेयर सेपरेशन कैसे करेंगे, मतलब दो लेयर कैसे करें इस कपड़े की। तो दो लेयर कपड़े की करने के लिए आपको जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में अंत तक। तो गाइस यहाँ पे मैंने लेयर सेपरेशन के बारे में बताया हुआ है, तो लेयर सेपरेशन का मतलब मैंने पहले बता दिया कि दोनों लेयर अपनी अलग अलग हो जाएं। तो जो हमने क्रॉस के ऊपर जो सर्किल बनाया है तो हम इस क्रॉस सर्किल से हम इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मार्क है ये लेयर सेपरेशन का मार्क है। तो गाइस जो लेयर सेपरेशन होता है उसका एक नियम होता है, बहुत सिंपल रूल होता है। तो क्या करना होता है जब आप लेयर सेपरेशन करते हैं कि फेस एंड मस्ट बी रेस्ड व्हेन द बैक पिक इज इंसर्टेड। तो जहां जहां पे आपका बैक पिक इंसर्ट हो रहा है वहां पे आपको फेस एंड को ऊपर कर देना है, तभी आपका लेयर सेपरेशन होगा। तो देखिए गाइस यहां पे पहला वाला बैक पिक ये है, तो यहाँ पे जो आपके फेस एंड है उनको हम अप करेंगे, तो ये अप कर दिया, ये वाला फेस एंड है यहाँ अप कर दिया, ये वाला यहाँ पे अप कर दिया, ये वाला यहाँ पे अप कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये अप किया, ये अप किया, ये अप किया, ये अप किया, यहाँ किया और ये वाला भी कर दिया, ये वाला यहाँ 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 यहाँ, हमने जो फेस एंड थे सारे के सारे बैक पिक के ऊपर उनको अप कर दिया है। तो अब आपका
लेयर सेपरेशन हो गया गाइस। अब लेयर सेपरेशन हो गया, अब आपको क्या करना है, दो लेयर बन गए तो उनको स्टिच भी करना है। स्टिच नहीं करोगे तो वो दोनों लेयर हैं वो अलग अलग रहेंगे और आप उस कपड़े को यूज नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है कि दोनों कपड़ों को जोड़ना भी है। तो जोड़ने के तरीके मैंने ऊपर बताए आपको, तो उनमें से मैं आपको दो तरीके यहाँ पे बता रहा हूँ और वो दो तरीके होते हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे गाइस हम कहाँ तक पहुंच गए, हमने अपने बीप के अंदर लेयर सेपरेशन कर दिया, मतलब जो आपके दोनों लेयर थे उनको अलग अलग कर दिया। तो गाइस इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, जो स्टिचिंग मार्क होते हैं उनको इंसर्ट करेंगे। तो ये तो आप यहाँ तक पहुंच गए यहाँ पे, अब इसके बाद देखिए कि आप स्टिचिंग मार्क कैसे इंसर्ट करते हैं अपनी बीप के अंदर। तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, देखिए गाइस स्टिचिंग मार्क इंसर्शन, और जो मेथड है स्टिचिंग मार्क इंसर्ट करने का वो है आपका रेजिंग बैक एंड ऑन फेस पे। मतलब हम स्टिचिंग मार्क जब इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या कर रहे हैं कि बैक एंड को फेस पिक के ऊपर अप कर दे रहे हैं। तो वहां पे अप करने से क्या होगा कि आपका जो बैक एंड होगा फेस पिक से इंटरलेस हो जाएगा और आपकी जो लेयर होती है वो जुड़ जाती है आपस में। तो गाइस देखिए ये जो आपका ब्लैक डॉट है बड़ा वाला, ये वाला ब्लैक डॉट है, तो हमने ब्लैक डॉट को प्रयोग किया है जहां पे हम स्टिच मार्क दे रहे हैं। तो गाइस देखिए कैसे देते हैं हम स्टिच मार्क, और ये जो स्टिच मार्क होते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम स्टिच मार्क दे रहे हैं तो इस तरीके से दें कि आपका जो स्टिच मार्क है वो आपके दूसरे साइड के, जैसे आप बैक एंड को फेस पिक से इंटरलेस कर रहे हो तो वहां पे आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपकी जो फेस की साइड है वो कम से कम डिस्टर्ब हो, कम से कम अपीयर हो आपका स्टिचिंग एंड फेस साइड के ऊपर। और जो स्टिच मार्क होते हैं तो वो आप उनको अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, जितनी आपको कपड़े में वाइंडिंग चाहिए उतने आप स्टिच मार्क दे सकते हो, बट जितने आप स्टिच मार्क देते हो उतने ही आपका कपड़े का जो दूसरे साइड का अपीयरेंस होता है तो वो प्रभावित होता है। गाइस देखिए हमने यहाँ पे क्या मेथड अपनाया है स्टिच मार्क को देने के लिए, हमने क्या किया है कि हर दो पिक के बाद में ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, एक दो और ये तीन, हमने डिवाइड कर दिया और इसी तरीके से वर्टिकली कर दिया, एक दो और तीन, तो चार पार्ट हो गए वर्टिकली और चार पार्ट हो गए आपके हॉरिजॉन्टली। गाइस अब हम क्या कर रहे हैं, स्टिच मार्क दे रहे हैं। तो स्टिच मार्क देते समय पे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो बैक एंड था इसको अप कर दिया फेस पिक के ऊपर, तो ये चार में से हमने सिर्फ एक को किया यहाँ पे, यहाँ अप कर दिया। ये दो एंड थे आपके, एक फेस का था एक बैक का था, तो इन दो एंड में से हमने एक पे हमने स्टिचिंग मार्क दिया यहाँ पे। तो अब हम दूसरी जगह पर जब स्टिचिंग मार्क देंगे तो हम यहाँ ना देखे यहाँ देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपके स्टिचिंग मार्क का, उससे आपके कपड़े का जो अपीयरेंस होता है वो कम प्रभावित होता है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया था और यहाँ वाले में देखिए हमने यहाँ ना देखे हमने यहाँ पे दे दिया। अब सेम चीज जो यहाँ पे थी वही हमने यहाँ पे कर दी, देखिए ये आपका बैक एंड है फेस पिक पे उठा दिया, ये आपका बैक एंड है फेस पिक पे उठा दिया, और यहाँ देख लीजिए ये आपका बैक एंड है फेस पिक पे उठाया, ये आपका बैक एंड है फेस पिक पे उठाया, ये आपका बैक एंड है फेस पिक पे उठा दिया, ये आपका बैक एंड है फेस पिक पे उठा दिया। तो इससे आपकी दोनों लेयर हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये मेथड कौन सा था स्टिचिंग का, वो था रेजिंग बैक एंड ऑन फेस पिक। अब गाइस हम आपको बताते हैं दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड में क्या करते हैं कि आप जो फेस का एंड होता है उसको बैक पिक पे डाउन कर देते हैं। तो गाइस देखिए, तो गाइस ये तो लेयर सेपरेशन है आपकी जो हमने पहले ही प्राप्त कर ली थी, इसके बाद में हम स्टिचिंग कर रहे हैं इसकी दूसरे मेथड से। तो मेथड क्या है, स्टिचिंग बाई लोअरिंग फेस एंड ऑन बैक पिक, मतलब फेस एंड को बैक पिक के ऊपर डाउन कर रहे हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप इसको देख लीजिए थोड़ा, ये देखिए ये आपकी जो वीप थी तो इसके अंदर हम लेयर सेपरेशन कर चुके थे, सिर्फ स्टिचिंग मार्क देने बाकी थे। तो ये यहाँ आपका अप था, यहाँ अप था, यहाँ था, यहाँ था, और ये देखिए पूरे अप थे यहाँ पे, ये जो फेस एंड थे बैक पिक के ऊपर सारे के सारे अप थे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे कायदे से यहाँ पे फेस एंड अप होना चाहिए था, तो हमने बैक पिक पे
फेस एंड को लोअर कर दिया, मतलब डाउन कर दिया, तो स्टिचिंग हो गई आपकी। इसी तरीके से आप ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे जो बैक पिक के ऊपर हमने फेस एंड को डाउन कर दिया है। अब गाइस यहाँ पे देखिए, आप ये वाला था यहाँ पे, तो यहाँ पे अप था, जब आपने लेयर सेपरेशन करी तो फेस एंड अप होना चाहिए, बट हमने यहाँ पे बैक पिक के ऊपर डाउन कर दिया, तो आपकी स्टिचिंग हो गई। और इसी तरीके से देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम चीज यहाँ पे, ये देखिए आप, ये है आपका स्टिचिंग मार्केट, डाउन करने पे स्टिचिंग आ गई आपकी। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला दिख जाएगा आपको, ये आपका बैक पिक है, तो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे डाउन चला गया। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपको, ये देखिए फेस एंड है ये, और बैक पिक के ऊपर डाउन हो गया। यहाँ देखिए आपका ये फेस एंड है, बैक पिक के ऊपर डाउन हो गया। और इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे अगर, तो देखिए आप यहाँ पे ये जो आपका फेस एंड है और ये बैक पिक पर डाउन चला गया। और ये वाला देखिए फेस एंड है, वो आपका यहाँ पे जो बैक पिक है, ये देखिए आपका बैक पिक है, यहाँ पे डाउन चला गया। तो इस तरीके से आपकी जो दोनों लेयर होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो गाइस मेन तरीके तो यही होते हैं जो आपके वीविंग के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। और जो दूसरे तरीके मैंने बताया कि जैसे कि आप एक्स्ट्रा स्टिचिंग एंड डालेंगे तब भी हो जाएगी, बट वो इतना ईजी नहीं होता है, कहने में लगता है बट वो बहुत टफ होता है, क्योंकि उसके ढीले होने के चांसेस भी होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो कंबाइंड स्टिचिंग क्या होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो आपका वीव है, मान लीजिए ये वीव है, तो इसके अंदर क्या करेंगे आप, आधे में तो हम क्या करेंगे, लोअरिंग कर दी, मतलब हमने जो फेस एंड था डाउन कर दिया, और आधे में क्या करेंगे हम बैक एंड को अप करेंगे, तो वो कंबाइंड स्टिचिंग हो गई। और गाइस जो एक तरीका मैंने ये भी बताया था आपको कि आप जो थ्रेड चेंजिंग करते हैं, तो थ्रेड चेंजिंग में क्या होता है, तो थ्रेड चेंजिंग तब होती है गाइस जब आपकी दो लेयर बन रही है कपड़े की, और नीचे अलग बन रहा है और ऊपर अलग बन रहा है, कपड़ा बनते बनते उसके बाद में जो धागे नीचे की लेयर बना रहे थे वो ऊपर की लेयर बनाने लगते हैं, जो ऊपर के बना रहे थे वो नीचे की लेयर बनाने लगते हैं, तो वो थ्रेड चेंजिंग होती है। और आपका एक मैंने आपको बताया था कि आप कहीं कहीं पर डबल लेयर का क्लॉथ बनाते हैं और कुछ डिस्टेंस के बाद में फिर सिंगल लेयर का क्लॉथ बनाते हैं, तब भी आपकी कपड़े की दोनों लेयर की स्टिचिंग होती रहती है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपको बताया कि डबल क्लॉथ वीव क्या होती है, डबल क्लॉथ कितने प्रकार का होता है, डबल क्लॉथ के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होते हैं, और आप किसी डबल क्लॉथ वीव का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।